हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेस्टिनी मोनिका। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कैप्शन से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की मेरी वीडियो है मदर स्पर्श की हेयर केयर रेंज, जिसमें शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था। और आपने कई लोगों से सुना होगा कि किसी से भी कोई भी टिप्स पूछो, जैसे किसी से कुछ भी कहो, जैसे मुझे हेयर फॉल हो रहा है या मेरे बाल झड़ रहे हैं या फिर मेरे बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं क्या यूज़ करूँ। तो सब सब लोगों से मैंने अधिकतर लोगों से सुना है कि आप प्याज का रस लगाइए, अनियन को पीस के लगाइए, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है अनियन हमारे बालों में, हमारे बालों को बढ़ने में मदद करता है उसका रस, जो कि काफ़ी अच्छा है और हमारे बालों में सचमुच हमारे हेयरफॉल को कम करता है और हमारे बालों को बढ़ने में मदद करता है। तो कई बार हमें इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम ये सब रूटीन कर पाएँ, तो उसके लिए मदर स्पर्श का यहाँ पर है ये हेयर केयर रूटीन, जिसमें आता है आपका शैम्पू एंड कंडीशनर। लुक एट द पैकेजिंग गाइस, कितना लग्जूरियस इसका ये कंडीशनर लग रहा है, कितना अच्छी इसकी पैकेजिंग करी है। बिल्कुल मरून एंड वाइट इसका ये पैकेजिंग है, इसका कलर है, काफ़ी अच्छा मुझे इसकी पैकेजिंग लगी। स्पेशली दिस कंडीशनर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका जो भी पैकेजिंग है। देखिए गाइस, ये ट्यूब पैकेजिंग में आता है, काफ़ी अच्छी मुझे इसकी पैकेजिंग लगी। और साथ में ही इसकी पैकेजिंग के साथ साथ ही ये इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं। अनियन शैम्पू है विद रॉ अनियन कंसेंट्रेट, स्टिमुलेट्स हेयर फॉल एंड स्टिमुलेट्स योर स्कैल्प, कंट्रोल हेयर फॉल्स एंड स्टिमुलेट्स स्कैल्प। तो काफ़ी अच्छा ये शैम्पू एंड कंडीशनर लगा, तभी मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। जो भी मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और जो भी मुझे हेल्पफुल होते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स मैं आप सबके लिए लेके आती हूँ कि आपको भी वो हेल्प करे आपके लिए और आप भी उसे ट्राई कर सकें। कोई भी चीज़, नई चीज़ खरीदने से पहले आप रिव्यू ज़रूर देख लें और मेरी रिव्यू देख के आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बात करते हैं इसके शैम्पू की, जो है मदर स्पर्श का शैम्पू। अब अनियन है तो स्मेल तो होगी, तो हल्की इसकी स्मेल है, हल्की, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्की स्मेल तो आएगी। बिल्कुल प्योर ये बना हुआ है तो थोड़ा स्मेल तो आएगी ही। और इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं अनियन, हाइड्रोलाइज कैरेटिन, एप्पल साइडर विनेगर, फ्लैक्सीड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, फॉलिकल्स जो हमारे बालों को बढ़ने मदद करते हैं, कैरेटिन है जो हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्ट बनाए रखता है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कल वॉश किया था अपने बाल और आज भी मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने इसमें कोई भी सीरम नहीं लगाया है, बस मैंने शैम्पू और ये कंडीशनर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल अभी भी, मैं ऐसे फिंगर यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं। मैंने अभी भी कुछ भी इसमें सीरम नहीं लगाया है और ना मैंने कोई भी आयरन ब्रो ड्राई किया हुआ है। दिस इज़ माय नेचुरल हेयर, तो मैंने कुछ भी अपने बालों में नहीं किया है, ये मेरे नेचुरल हेयर है, ना ही मैंने इसमें ब्लो ड्राई किया है। तो आप देख सकते हैं कितना भी अच्छा टेक्स्चर है, मैंने कल वॉश किया था और आज भी बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही लाइट वेट लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है बालों में। तो छूते ही बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं बाल ऐसे, कोई भी मुझे ऐसे अभी तक कोई भी दिक्कत फील नहीं आई है। मुझे काफ़ी अच्छा ये शैम्पू लगा और काफ़ी अच्छे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्लैक सीड ऑयल है, कैरेटिन है इसमें और आपके बालों को जो कि स्मूथ करता है। तो यह है बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, ज़्यादा इसका फॉर्म नहीं बनेगा। तो आप एक बार में ही क्वान्टिटी है तो उसको ज़्यादा ले लीजिए, जो कि आपको बार बार नहीं लेना पड़ेगा। तो एक बार में ही क्वांटिटी आप ज़्यादा ले लीजिए और अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। काफ़ी अच्छा शैम्पू है, काफ़ी माइल्ड शैम्पू है, आपको आप डेली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी इसमें मिनरल्स, पैराबेंस एंड सिलिकॉन्स नहीं है, सल्फेट नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस शैम्पू की। और साथ में ही इसका कंडीशनर तो मैजिक है, इसका कंडीशनर मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये भी है विद्रॉ अनियन कंसेंट्रेट, कंट्रोल्स हेयर फॉल एंड स्टिमुलेट्स योर हेयर स्कैल्प। तो इसमें ये लिखते हैं कि मदर स्पर्श इन्वॉल्व विद द प्योरिटी ऑफ लव एंड पावर ऑफ नेचर। तो काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स इनके बहुत ही अच्छे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी इसमें केमिकल्स नहीं हैं
और ये लिखते हैं कि आप पहले इसे यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, कि आप अपने हैंड में पैच टेस्ट कर लीजिए या फिर अपने नेक में पैच टेस्ट कर लीजिए कि आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये हर्बल है तो कोई कभी ना कभी कोई हर्बल चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो आप इसे ट्राई करने से पहले एक बार ज़रूर पैच टेस्ट करके ज़रूर देखिए। और ये है अनियन हेयर कंडीशनर, तो इसमें है शिया बटर, लाइट फ्रेग्रेंस, सनफ्लावर ऑयल, वाइट्स ऑफ पैराफिन, विटामिन ई, टी, सिट्रिक एसिड, ग्लिसरीन, ब्लैक सीड ऑयल, अनियन एक्सट्रैक्ट, कैरेटिन, हाइड्रोलाइज कैरेटिन। इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं सब आपको अभी पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, बट काफ़ी अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगा। और यह है मेड इन इंडिया ब्रांड, जो कि है 150 ml। मैं आपको प्राइस बताना भूल गई इसका कंडीशनर का, जो कि है 150 ml, जो कि है 150 ml 399 rupees का। और आप इनके वेबसाइट में जाएंगे तो आपको 30-40% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं इसका शैम्पू है 475 rupees का, जो कि है 200 ml, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल के आपको ये 300 और दिस इज 200 कुछ में आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से इनके वेबसाइट जरूर चेक करिएगा कि ये आपको आसानी से इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप फ्रेंड्स प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सबके लिए रिव्यू लेके आई हूँ। एंड सेल्फ लाइफ है इसकी 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और अभी तक का मेरा ठीक है, मेरा बहुत अभी चल रहा है। मैं हफ्ते में मेरा 2 से 3 बार मैं वॉश करती हूँ अपने हेयर, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। मैंने 2 बार इसे वॉश कर लिया है अपने बालों को, तो मुझे काफ़ी अभी तक अच्छा लगा है। और साथ में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी मेरे को दूर हो गई, जो कि मेरी डैंड्रफ भी थी, तो डैंड्रफ भी नहीं हो रहा है। और हेयर फॉल भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट उतना हेयर फॉल नहीं हो रहा है। अभी 2 बार ही यूज़ किया है तो इतना नहीं पता कि हेयर फॉल होगा नहीं होगा, एंड ग्रोथ तो पता चलेगा आगे जाके, बट अभी तक का मुझे सबसे अच्छा ये शैम्पू लगा। तो मदर स्पर्श काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड होप यू लाइक इट। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।